आज का हमारा टॉपिक है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक हेगार्ट को माना जाता है। अनुकरण एक सामान्य प्रवृत्ति है जिसका प्रयोग मानव दैनिक जीवन की समस्याओं के सुलझाने में करता है। अनुकरण में हम दूसरों को क्रिया करते हुए देखते हैं और वैसा ही करना सीख लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अनुकरण के द्वारा भी सीखा जा सकता है। यह सिद्धांत मानव में अधिक सफल हुआ है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही आरंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होता है। मनोवैज्ञानिक हेगार्ट महोदय की अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत से भी यह स्पष्ट होता है कि अधिगम की प्रक्रिया अनुकरण के माध्यम से सरल होती है। अरस्तु के अनुसार कलाकार के द्वारा किया गया अनुकरण तीन रूपों में होता है। प्रत्यमान रूप जैसा दिखे उसी का वैसे ही अनुकरण करें, इसको त्याज्य माना है यानी निम्न स्तर का माना है। संभाव्य रूप जैसा हो सकता है उसको मध्यम माना है। आदर्श रूप जैसा होना चाहिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना है। अरस्तु मानते हैं कि कलाकार प्रकृति का सीधे अनुसरण नहीं करता, अपितु वह उसकी सृजन प्रक्रिया का अनुसरण करता है। अरस्तु के अनुकरण के सिद्धांत के व्याख्याकार प्रोफेसर बूचर के शब्दों में, अरस्तु का अनुकरण सादृश्य के द्वारा मूल का पुनराख्यान है। सादृश्य जो हमारे सामने दृश्य है उसका पुनः व्याख्यान है। अगर काव्य में करें तो व्याख्या होगी, चित्र में करें तो चित्र होगा, मूर्ति में करें तो मूर्ति होगी, ठीक है। स्कॉट जेम्स के शब्दों में, अनुकरण जीवन के कलात्मक पुनर्निर्माण का पर्याय है। पुनर्निर्माण यानी बार बार निर्माण, पहले जो सृष्टि में दिख रहा है वैसा हमने बनाया, फिर उसका फिर अनुकरण चित्र में किया। जो वास्तुकार है वो मंदिर या मकान बनाता है, फिर उसका चित्र में अनुकरण करते हैं, यानी अनुकरण का भी अनुकरण। एडकिंस के शब्दों में, अरस्तु के अनुकरण का वास्तविक अर्थ है पुनः सृजन करना। पार्ट्स के शब्दों में, अनुकरण का अर्थ है वस्तु का पुनः सृजन करना। एवर क्रोम्बे के शब्दों में, वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत अभावात्मक सिद्धांत है क्योंकि अरस्तु ने काव्य की आत्मा के स्थान पर प्रकृति के अनुकरण पर बल दिया है। प्लेटो जो दूसरा दार्शनिक था उसने अनुकरण के बारे में क्या कहा है? ग्रीक दार्शनिक एवं विचारक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में काव्य को मूल प्रत्यय के अनुकरण का अनुकरण कहा है। जैसे बढ़ई महान शिल्पी ईश्वर के द्वारा निर्मित मूल बिंब का अनुकरण करके पलंग बनाता है, चित्रकार इस पलंग का अनुकरण कर चित्र बनाता है, साहित्यकार भी उसी बढ़ई द्वारा बनाए गए अनुकरण को अपनी रचनाओं का विषय बनाता है।
इस तरह कला और काव्य सत्य से तिहरी दूरी 30 3 गुना दूरी पर होते हैं। इसलिए उन्होंने कला और काव्य को महत्वपूर्ण नहीं माना है। अनुकरण संबंधी प्लेटो की मान्यताएं, ईश्वर सृष्टा है और उसके द्वारा रचित प्रत्यय जगत ही सत्य है। वस्तु जगत प्रत्यय जगत की अनुकृति नकल या छाया है, अतः मिथ्या या असत्य है। अर्थात सांसारिक वस्तुएं ईश्वरीय संसार की नकल करके बनाई गई हैं, अतः यह असत्य है। संसार का सत्य केवल ईश्वरीय या प्रत्यय जगत है। कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है, अतः यह अनुकरण का भी अनुकरण है। मतलब यह संसार, ये मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे ईश्वर की रचना है। मान लो ईश्वर की रचना है, यह सत्य है। लेकिन यदि इनका चित्र या मूर्ति बनाई जाती है तो वह अनुकरण का अनुकरण है, अतः और भी मिथ्या है, असत्य है। कलाकार अनुकर्ता नकल करने वाला है। प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अंतर। प्लेटो ने अनुकरण का हूबहू नकल बताया था, जबकि अरस्तु का अनुकरण पुनः सृजन का पर्याय है। प्लेटो का मानना था कि कला अनुकृति की अनुकृति है, जबकि अरस्तु के अनुसार कला वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण है। प्लेटो ने कलाकार को अनुकर्ता नकलकर्ता बताया है, जबकि अरस्तु उसे कर्ता मानते हैं। प्लेटो ने कला को नैतिक आदर्शवादी एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखा था, जबकि अरस्तु ने कला को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत एक स्तर पर प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया है और दूसरे स्तर पर उसका विकास भी। महान दार्शनिक प्लेटो ने कला और काव्य को सत्य से 3 गुना दूरी पर कहकर उसका महत्व बहुत कम कर दिया था। उसके शिष्य अरस्तु ने अनुकरण में पुनर्रचना का समावेश किया। उनके अनुसार अनुकरण हूबहू नकल नहीं है, बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पुनर्रचना भी शामिल होती है। अनुकरण के द्वारा कलाकार सार्वभौम को पहचान कर उसे सरल तथा इंद्रिय रूप से, इंद्रिय यानी अपनी आँखों से देखकर पुनः रूपागत करने का प्रयत्न करता है, यानी रूप या आकार देने का प्रयत्न करता है। कवि प्रत्ययमान, संभाव्य अथवा आदर्श तीनों में से किसी का भी अनुकरण करने के लिए स्वतंत्र है। वह संवेदना, ज्ञान, कल्पना, आदर्श आदि द्वारा अपूर्ण को पूर्ण बनाता है। अनुकरण की वस्तुएं या विषय। अरस्तु के अनुसार अनुकरण में 3 प्रकार की वस्तुओं में से कोई एक हो सकती है, जैसे वे थी या है, यथार्थ में जैसी वे कही या समझी जाती है, काल्पनिक यथार्थ, जैसे वे होनी चाहिए, संभाव्य यथार्थ। इन्हीं को क्रमशः प्रत्ययमान, संभाव्य और आदर्श रूप माना गया है। अनुकरण और आनंद। अरस्तु का विचार है कि जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन हमें दुख देता है, उनका अनुकरण द्वारा प्रस्तुत रूप हमें आनंद प्रदान करता है। डरावने जानवर देखने में हमें डर लगते हैं, अगर वो असली सामने हो तो हम डर जाएंगे, किंतु उनका अनुकूल रूप हमें आनंद प्रदान करता है। खिलौने के रूप में, मूर्ति के रूप में सुंदर लगता है और हम उसको सजाते हैं।
अतः अनुकरण निश्चय ही यथार्थ वस्तु पर अंकन न होकर भावनात्मक और कल्पनात्मक होगा। अनुकरण और कलाओं का वर्गीकरण। प्लेटो ने कलाओं को दो वर्गों ललित कला और उपयोगी कला में बांटा है। ललित कला में चित्र, नाटक, मूर्तियाँ आदि आ जाएगा, और उपयोगी कला में जैसे जो कारपेंटर होता है, लकड़ी का काम करता है या लोहे का काम करता है, ये उपयोगी कला में आ गया, जिसका हम उपयोगी जैसे फर्नीचर बनाता है, टेबल कुर्सी, तो और इनका हम उपयोग करते हैं, ये उपयोगी कला में आ गया। जबकि अरस्तु ने इसे एक ही माना है, ललित कला और उपयोगी कला को। प्लेटो ने दो अलग अलग माना है, एक तो ललित कला जो मनोरंजन या सौंदर्य के लिए, और उपयोगी कला जो उपयोगी जो जीवन में दैनिक जीवन में उपयोग आता है, वो सारी वस्तुएं उपयोगी कला में आ गई, जबकि अरस्तु ने इसे एक ही माना है। अरस्तु ने ललित कलाओं को अनुकरणात्मक कला का नाम दिया और उसे उत्कृष्ट कला कहा है। मानव जीवन के विविध रूप ही इसके विषय हैं अरस्तु के अनुसार। ये मनुष्य के भावों, विचारों और कार्यों को अभिव्यक्त करती हैं। निष्कर्ष रूप में हम इतना कहेंगे, सत्य कभी एक उद्देश्य नहीं होता, उसकी उपलब्धि तो किसी न किसी रूप में होती है, किंतु उपलब्धि की विधि और उसका आधारभूत दृष्टिकोण भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। अरस्तु ने काव्य या कला को प्रकृति का अनुकरण माना है, अतः कला अनुकरण होते हुए भी नवीकरण है और सृजन रूप है, उसका सृजनात्मक रूप है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है।